सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो कंपनी है जलगांव में, वहाँ पे कोई किसान भाई आए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अतुल खंडित है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। और आपका नाम? मेरा दिनेश खंडित है, मैं नागपुर से आया हूँ। आप प्रॉपर नागपुर से हो या आजू बाजू कहीं से हो? नहीं, काटोल तहसील है नागपुर जिले में, हम प्रॉपर वहाँ से। ओके, मतलब एक छोटे गांव से हो आप? हाँ जी। और आपने कौन सा क्रॉप लगाया हुआ है आपके खेत में या लगवाने वाले हो? सर, मेरे खेत में संतरा है, संतरे के पेड़ है, 250 नियर अबाउट 250 पेड़ है। बराबर। और पूरा क्षेत्र कितना है आपका? 2 एकड़ के आसपास है। और आपके जो पेड़ है वो कितने पुराने हैं या कितने बड़े हैं? सर, वो 6 साल पुराने हैं और नियर अबाउट हाइट 15 से 20 फीट तक उनकी हाइट। तो अभी तक आप उनके लिए कोई भी तरीके का ड्रिप नहीं यूज करते थे? नहीं नहीं, अभी तक हमने कोई ड्रिप यूज नहीं किया है। अभी तक ऐसा है कि बारिश अच्छी होने की वजह से फ्लड इरिगेशन ही चलता था, तो अभी तक वैसी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन इस साल ड्रिप इरिगेशन की जरूरत पड़ी है। मतलब पानी कम होने के वजह से आपको या उसके वजह से आपको ड्रिप इरिगेशन की जरूरत पड़ी है? हाँ, तो आप कब निकले, मतलब हमारे तरफ आने के लिए? रात को निकले? हाँ जी, हम रात को 12 बजे की ट्रेन से निकले। ओके, तो ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आए हैं और यहाँ पे 6 बजे के आसपास हम भुसावल पहुँचे और बाद में यहाँ पे बस से आए हैं। बराबर। तो आप यहाँ पे आए लगभग आपको 1-2 घंटा हो गया। हाँ जी। आपने शायद पूरा आपका बिल बनाया, 2 एकड़ के लिए आपने ड्रिप इरीगेशन हमसे खरीदी, हमारे लोगों से बात किया और कंपनी भी आपने देखी। हाँ, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब आप भी शायद कहीं फेसबुक या यूट्यूब भी से हमसे जुड़े थे? बिल्कुल। और बिल्कुल। आपने जैसे कि पहले बताया कि 6 महीना आपने हमको ऑब्जर्व किया कि भाई कैसे है क्या है, और उसके बाद आए, तो अभी आपका ओपिनियन हमारे बारे में क्या है? सर, ओपिनियन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आने के बाद पर्सनली हमें सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि हीरा एग्रो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो उनके मीन्स ऑफिस के पास ही है। अगर आप आते हैं तो आप सीधा प्रोडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे सभी टाइप के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, इनका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। और दूसरी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या डिफेक्टिव है वो तुरंत हटा दिया जाता है, मीन्स आपको वो नहीं मिलेगा, आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी और काफ़ी सस्ती मिलेगी मार्केट रेट से, नियर अबाउट हाफ में, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। और अभी भी मतलब आपने जो बिल किया, ये सारा जो माल है हम ट्रांसपोर्ट से भेजने वाले हैं आपको। हाँ जी। आप साथ में नहीं लेके जाने वाले हैं, तो इसी तरीके के जो दूर दराज के किसान लोग हैं उनके भी मन में कुछ शंका आती है कि पैसा डाल दिया तो माल आएगा नहीं आएगा, अच्छा आएगा, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, वो तो शंका हर किसान के मन में रहती है कि हम अगर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जो भी इंडस्ट्री वाले हैं या तो फिर वो माल भेजेंगे नहीं भेजेंगे, किस क्वालिटी का आएगा, क्योंकि हमने वो देखा नहीं है। तो आज मैं पर्सनली विज़िट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप भरोसा कर सकते हैं। आप अगर आपके मन में शंका है तो आप सीधा यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, देखिए और बाद में ऑर्डर दीजिए। मैंने भी वैसे ही किया है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनका जेन्युइन ऑफिस है, MIDC में इनका छोटा मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे वो है, और आप यहाँ पे आ सकते हैं या तो फिर ऑनलाइन अगर करते हैं आप ट्रांसफ़र तो भी मीन्स चलेगा, ऐसा कुछ इसमें कोई चालबाजी या ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। तो आज ये जो भैया यहाँ पे आए हैं इन्होंने कुछ सवाल हमसे पूछे थे, हमको लगा कि ये सवाल सब किसान भाइयों के मन में आते हैं, तो उसका आज वीडियो के माध्यम से हम उनको जवाब देना चाहेंगे, तो वही कार्यक्रम को अभी चालू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा कि ड्रिप इरिगेशन कैसे करना, तो उसके बारे में थोड़ा इनसे जान लेते हैं कि इनके मन में क्या क्या सवाल है। हाँ जी, तो एक्चुअली ड्रिप इरिगेशन के वीडियो तो हम यूट्यूब पे देखते हैं एक्चुअली, लेकिन कैसा है कि हमारा जो सेटअप है, सपोज़ मेरा 250 प्लांट्स का सेटअप है, वहाँ पे मैं एक पेड़ पे 4 ड्रिपर लगा रहा हूँ, 16 लीटर पर मिनट उसका डिस्चार्ज है, तो 16 × 4 मीन्स 64 लीटर पर मिनट के पर आर के हिसाब से पानी जाएगा उसमें। मेरे पास 3 HP का मोटर है, वो नियर अबाउट 25,000 to 30,000 लीटर पर आर का डिस्चार्ज देता है,
तो मीन्स इसका सब कुछ सेटअप कैसे होगा, मुझे कितना प्रेशर से पानी भेजना पड़ेगा, मुझे कितना पानी डाइवर्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसका अगर स्कीमेटिकली या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन मुझे अगर मिलता है तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये भैया के पास बड़े पेड़ है, जैसे कि कुछ वीडियो में हमने बोला था आपको कि ऑनलाइन तरीके का ड्रिप इनको यूज़ करना पड़ेगा। कि ऑनलाइन तरीका मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ एक पॉली ट्यूब हम इनको देंगे और जहाँ पे इनका पेड़ होगा वहाँ पे उनको एक्सटर्नल ड्रिपर लगवाने पड़ेंगे। हम पहले से उनको ड्रिपर लगवा के नहीं दे सकते, क्योंकि जो पहले से ड्रिपर लगवाने का तरीका है जिसको इनलाइन बोला जाता है, उसमें इतना बड़ा मतलब इनके दो पेड़ में का जो अंतर है वो 6-6 8-8 10-10 फीट हो सकता है। तो इतने बड़े डिस्टेंस के लिए वो ड्रिप अच्छी नहीं रहती है। तो आज जो भी बात होगी वो ऑनलाइन के बारे में बात होगी, जिसको कई कंपनियां पॉली ट्यूब बोलती है, या जो ड्रिप बड़े पेड़ों के लिए मतलब जहाँ पे दो पेड़ों में का अंतर ज़्यादा रहता है उसके बारे में बात होगी। तो मैं इनको अभी बताना चाहूँगा, कुछ आपको भी वीडियो के माध्यम से ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं इनको ये व्हाइट बोर्ड पे बताना चाहूँगा। ये भैया ने सबसे पहले पूछा है कि ड्रिप इरिगेशन मतलब कैसे करना चाहिए, या ड्रिप इरिगेशन का जो टेंटेटिव डायग्राम रहता है वो कैसे रहता है। तो मैं ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये भैया का खेत है, ठीक है, और आपका कहीं पे कुआं है, या जो आपने बोला है कि पानी का सोर्स जहां से आप पानी लिफ्टिंग करने वाले हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, मान लेते हैं कि पर वो यहां कहीं पे है आपका कुआं, ठीक है। तो आपको ये कुएं से ये खेत तक जो पाइपलाइन लानी रहती है, मैं थोड़ा आपको समझ जाए इसके लिए जोर दिखाता हूं। मान लीजिए आपका कुआं है, तो ये जो पाइपलाइन आप लाएंगे, ये पाइपलाइन को हम मेन पाइपलाइन बोलते हैं। ओके, और मान लीजिए कि आपका ये खेत 200 फीट है ऐसा। ओके, और ऐसा भी 200 फीट है। तो अभी ड्रिप मतलब क्या रहता है कि एक बड़ा पाइप रहता है पीवीसी पाइप, जिसको जगह जगह पे होल करके आप छोटी पॉली ट्यूब उसको लगवाएंगे और वो पॉली ट्यूब आपके पेड़ के पास से गुजरेंगी, और जहां से पेड़ वहां आएगा उसके पास, वहां पे उसको अपन ऑनलाइन का ड्रिपर लगवाएंगे, ठीक है। और वो ड्रिपर में से कंट्रोल पानी मतलब जितना बोला गया है उतना ही बाहर आएगा उतने ही समय में। तो यही पूरे सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। तो मान लीजिए कि आपके जो पेड़ है वो इस तरीके से लगवाए आपने, ये मैंने पेड़ आपके दिखा दिए आपने, आपने इस तरीके से पेड़ लगवाए। अभी ड्रिप इरिगेशन आप जो नली है वो ऐसे भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, ये आपके सिचुएशन के ऊपर रहता है। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि आपने जो नली है वो ऐसे डालनी है, तो फिर आप ये नली को पाइप के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो एक पीवीसी पाइप आपको ऐसा डालना पड़ेगा जिसको जगह जगह पे होल करके ये नली के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पाइप है इसको बोला जाता है सब पाइपलाइन। अभी ये सब पाइपलाइन के ऊपर आपकी नली लग गई, जो नली का डायमीटर है 16 mm, 20 mm, 12 mm, जो भी आपका जैसा क्षेत्र है, मतलब ये 200 के जगह अगर 400 फीट होता है तो 16 mm यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको 20 mm लेनी पड़ेगी। अगर ये अंतर 100 फीट हो जाता है और मान लो 50 फीट इधर और 50 फीट इधर कवर करना है तो 12 mm भी काम कर जाएगी, ठीक है। तो
इस तरीके से आपने पाइपलाइन डाली जिसको होल गिरा के आपने नली ज्वाइन किया है, जैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया ही है, ग्रोमेट टेकअप ज्वाइनर है क्या, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहता है, ये कॉक रहता है कि भाई जब मोटर आपकी चालू होगी और मोटर में से पानी यहाँ तक आएगा और ये कॉक आप खोलेंगे, मान लो आपका कहीं दूसरी कभी जगह, इधर आपने एक पाइपलाइन इधर लेके गए, एक पाइपलाइन इधर लेके गए और यहाँ पे भी आपने कॉक है, तो आपको ये दो कॉक बंद करने पड़ेंगे, ये कॉक खोलना पड़ेगा और उसके वजह से ये सारा पानी इधर आएगा और यहाँ पे आपने जो ड्रिपर लगवाए वहां से बुनबुन का रिसाव होगा। तो ये प्रणाली को ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इसमें दो तीन चीजें बहुत जरूरी है, मतलब ये पाइपलाइन से ये अंतर, ये अगर ज्यादा आप लेते हो तो आपका पानी का प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है तो भी आपकी ड्रिप अच्छे से काम नहीं करेगी, एक ये हो गया। फिर ये डिपेंड किस पे रहता है, जैसे आपने पहले बोला कि आपको एक पेड़ को चार चार लीटर के चार चार ड्रिपर लगवाने हैं, बराबर बराबर 16 लीटर पानी चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मोटर कितना पानी देती है, ओके। और फिर वो अभी मान लो कि आपकी मोटर जितना पानी दे रही है उतने ये क्षेत्र में नहीं पूरेगा तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पाइपलाइन यहां से इस तरीके से ना जोड़ते हुए इसको यहां तक लाना पड़ेगा और यहां पे और एक कॉक देके यहां पे और एक कॉक देना पड़ेगा। अभी क्या हो गया कि वहां पे एक कॉक खोला तो पूरी सिस्टम पानी जा रहा था, अभी क्या हो जाएगा कि पानी आया, आपने मान लो नीचे का कॉक बंद कर दिया तो नीचे के पेड़ों को पानी नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर के पेड़ों को पानी जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर का आपका क्षेत्र हो गया पानी देके कि उसको बंद करना है और फिर नीचे का खोलना है, तो इस तरीके से। अगर मान लो आपका क्षेत्र और बड़ा हो जाता है तो आपको ये सप्लाई और बढ़ानी पड़ेगी और उसको यही तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि एक तो आपको आपकी जो पानी उपलब्ध है आपके पास वो कितने पौधों तक पूरेगा वो देख के आपको ये पाइपलाइन का डिजाइनिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा कि ऐसा नहीं कि चलो आपने बोल दिया कि हमारे पास 30,000 लीटर पानी है घंटे का और 30,000 लीटर मान लो ये आधे क्षेत्र में पूरा हो रहा है, लेकिन मैं ये अंतर मान लो 200 की जगह 400 फीट डाल देता हूँ तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका डायमीटर फिक्स है, आपकी जो भी पॉलीट्यूब आती है उसका डायमीटर फिक्स है, उससे ज्यादा पानी नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक रूल रहता है कि भाई 12 mm, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ मतलब सारे किसान भाइयों को, 12 mm 1,250 फीट के आगे काम नहीं करेगा, मतलब सब लाइन से लंबाई उसकी। 16 mm 200 फीट के आगे काम नहीं करेगा और 20 mm लगभग 350 फीट। और ये जो चीज है ये चीज आपके LPH पे भी डिपेंड रहती है, मतलब मान लीजिए आपने जैसे बोला है 16 लीटर पानी गिरेगा, अगर वहां पे आपने 4 लीटर ही पानी गिराया तो फिर आपका ज्यादा क्षेत्र हो जाएगा या आप थोड़ी लंबाई भी ज्यादा दे पाएंगे। अभी एक चीज तो मैंने बता दी आपको कि पानी कितना पूरेगा, दूसरी लंबाई, और तीसरी कि एक कॉक के ऊपर कितनी सलिया खोलना है आपको, मतलब मान लीजिए कि आपने ये दो कॉक नहीं लगवाए और यहाँ से फिर से एक ही कॉक के साथ जोड़ दिया और इतना सब पानी नहीं पूरेगा तो भी आपका प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा, आपका जो भी प्रेशर है उसमें तफावत आएगी तो वो भी फेल हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना रहता है कि कितने सदियों के बाद आपको कॉक लगवाना पड़ेगा, ओके। अभी आपका एक सवाल है फिल्टर कहाँ पे लगवाना, तो आपको फिल्टर देखिए यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये जैसे मैंने बोला था दो पाइपलाइन यहाँ से जोड़ी है और इधर भी आपको ड्रिप को पानी पहुंचाना है, वो भी मतलब यही फिल्टर से, तो आपको फिल्टर यहाँ लगवाना पड़ेगा। और मान लो इधर कोई काम नहीं है आपने यहाँ लगवाया तो चलेगा, तो फिल्टर आपके हिसाब से लगवाना है, लेकिन फिल्टर ऐसी जगह लगवाना कि जहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है, या कैसा कि खेत में कोई जगह रहती है जहाँ पे अपन दिन में ज्यादा बार जाते हैं तो वहां पे फिल्टर लगवाए तो क्या होता है कि उसको साफ करने की अपने को याद आती है, नहीं तो क्या होता है बहुत सारे किसान भाई फिल्टर लगवाते और उसको साफ ही नहीं करते तो वो भी गलत है। तो फिल्टर आपको लगवाना है और फिल्टर लगवाने से काम नहीं खत्म होगा, उसको आपको साफ भी करना है टाइम टू टाइम कि जिसकी वजह से आपकी ड्रिप खराब ना हो। तो
तो ग्रोमेट लगवाएंगे, मतलब एक ड्रिल से आप पाइप को छिद गिराएंगे, उसके बाद ग्रोमेट लगवाएंगे, टिकअप लगवाएंगे, नली लगवाएंगे, कहीं पे जॉइनर आता है जॉइनर लगवाएंगे, एड कैप लगवाएंगे, ठीक है, आखिर में फ्लश वॉल लगवाना है। फ्लश वॉल बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक 8-10 दिन मतलब पानी भर दिया सब पौधे को और बाद में पानी की जरूरत नहीं है, तो 8 दिन ये पाइपलाइन में पानी रहेगा तो वहां पे सब काई जमा हो जाएगी, तो ये काई आपकी पूरी ड्रिप खराब कर सकती है। तो जब भी आप 8-10 दिन में एक बार मोटर चालू करेंगे, ये फ्लश वॉल खोलना, सब गंदगी यहाँ से निकल जाएगी और आपकी ड्रिप खराब नहीं होगी। और भी कुछ आपके मन में सवाल है तो पूछिए। अभी सर आपने जो बताया कि यहाँ पे जो फ्लश वॉल है, ठीक है, फ्लश वॉल से गंदगी पूरी बाहर निकलेगी अगर हम 8-10 दिन यूज नहीं करते रहे तो। सपोज ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो इसके लिए भी छोटे वॉल आते हैं क्या, क्योंकि हम जब फ्लश करेंगे तो ये जो पानी है तो इसमें भी जाएगा, अभी साइज में भी जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे भी छोटे छोटे वॉल छोटे बैठे ही। देखिए 12 mm 16 mm 20 mm के छोटे कॉक आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आप लगवाएंगे तो ये आपको तय करना है कि उसको हर बार आपको खोलने की आपको दिक्कत सहन कर पाएंगे क्या आप, या वो पॉसिबल है क्या आपके लिए। हमको कोई दिक्कत नहीं, आते हैं, उसमें से बड़ा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या होता है कि वो प्रैक्टिकली हो पाता है क्या वो भी देखना है, तो आपको लगवाना है तो आप लगवा पाएंगे। नहीं वही मकसद था कि जो काई है फिर हम वहाँ से सीधा पानी छोड़ेंगे तो काई ये सब लाइन में भी जा सकते नहीं है। जाती है ना तो ये देखिए मैं फ्लश वाल आपको बता ही देता हूँ, ये फ्लश वाल आता है। हाँ जी, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला है। हाँ। कि ये फ्लश वाल आता है। हाँ। ये अभी डैमेज पीसेज के लिए इधर आया है तो ये यहाँ से खुलेगा नहीं। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अटक जाएगा। हाँ। और यहाँ से सब गंदगी निकल जाएगी, तो ये फ्लश वाल हो गया। तो इन्होंने जो कॉक के बारे में पूछा है मैं वो कॉक दिखा देता हूँ। इस तरीके का कॉक आता है, ये देखिए 16 mm का कॉक, तो ये आप अभी ये 20 mm का है, आप लगवा तो सकते हो, लेकिन फिर वो आपको देखना है कि ये हर बार चालू या बंद करने की जो भी है प्रोसीजर आप फॉलो कर पाएंगे क्या, ठीक है। और बाकी और कुछ पूछना है तो पूछिए। मेन वही ये भैया ने उनका जो प्लॉट है वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उनकी कुआ यहाँ पे है 230 फीट उनका एक लेंथ है, दूसरी है 500 फीट, और उनके जो प्लांट है ऑरेंज के संतरा के वो 10-10 एक एक लाइन में है, ठीक है, ऐसे 25 है, 25 लाइन। हाँ 25 लाइन है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सब लाइन डालेंगे और ये सब लाइन को पॉली ट्यूब जोड़ के ऐसा वो करेंगे। उन्होंने सब गणित लगवाया हमने कि 16 mm के लिए हमने बोला 200 फीट तक काम करेगी, लेकिन ठीक है 20-25 फीट आप एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात कि उनकी मोटर 30,000 लीटर एक घंटे का डिस्चार्ज देती है, उनको एक पेड़ को 64 लीटर घंटे का पानी जरूरत है, 250 × 64 तो वो आ रहा है लगभग 16,000, ठीक है। तो अगर प्रेशर लॉस वगैरह भी मानते हैं तो आपकी 25,000 लीटर तो पानी देगी मोटर, तो आपका काम हो जाएगा। तो मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अगर मुझे 16,000 लीटर की जरूरत होती है, मोटर 25,000 लीटर, तो मुझे पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए ऐसा रहता है कि ये आपको वहाँ पे कभी भी सर किशन भाई ने ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे आप जोड़ेंगे ना तो एक बाईपास कॉक निकाल के रखना है। हाँ। बाईपास कॉक आपने निकाल के रखना है और आपने पहले चेक करना है पानी ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो बाईपास करके आप जहां चाहे वहां उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको और भी कुछ दिक्कत आई तो आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यहीं पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं, लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी इसी तरीके की कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, मैं नंबर बता देता हूँ 9984000511 से 518, उस पर कॉल कर सकते हैं।
और अगर उनको ये सारी चीजें ऑनलाइन भी खरीदनी है तो हमारे वेबसाइट है hiraagro.com, वहां से भी वो खरीद सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई जलगांव में आना चाहते हैं हमारे कंपनी को विजिट करने, तो हम उनको ऑलवेज वेलकम करेंगे।